तो हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त जितेंद्र, आपका अपना यूट्यूब चैनल नाइक एंड टेक में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज हम करेंगे पेटीएम पोस्ट पेड को क्लोज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत सिंपल है, तो इसके लिए आपको पेटीएम आपको ओपन करना है। तो फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीका से इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 24x7 हेल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पर 24x7 पे हेल्प पे क्लिक करना है। तो इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मोर प्रोडक्ट एंड सर्विस पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक नज़र आएगा कि इंश्योरेंस एंड पोस्टपेड पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पोस्ट पेड पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेकंड ऑप्शन पे इशू विथ पेटीएम पोस्ट पेड अकाउंट स्टेटस पे हमें क्लिक करना है। इस यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पे दिखाई देगा आई वांट टू क्लोज डी एक्टिवेट माई पेटीएम पोस्ट पेड। तो यहाँ पर आपको मैसेज आप पे क्लिक करना है। तो आप क्लिक कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर टाइप करके कुछ भी, जैसे कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई पेटीएम पोस्ट पेड सर, तो यहाँ पर आपको सेंड कर देना। फिलहाल अभी मैं अब मेरा पेटीएम पोस्ट पेड क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।